Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS rank 1 Shuti Sharma. हेलो फ्रेंड्स दिस इज गौतम पांडे कमिंग अबाउट नेशनल एंड स्टेट पार्टी और साथ ही साथ ये भी समझेंगे व्हाट आर द रूल फॉर ऑफ़ नेशनल एंड स्टेट पार्टी सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट सी बाज आखिर नेशनल एंड स्टेट पार्टी न्यूज में क्यों है पहले जरा इसको समझते देखिए रिसेंटली अरविंद केजरीवाल लेट आम आदमी पार्टी का द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्टी एक्चुअली टेंथ ऑफ अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आम आदमी पार्टी को नेशनल स्टेटस प्रोवाइड कराया है इसके साथ ही अगर हम बात करें तो तीन नेशनल पार्टी ऐसे हैं जिनसे ये तमगा छ चुका है मीन्स दे लॉस्ट देयर नेशनल पार्टी स्टेटस इनमें कौन कौन सी पार्टी अगर उनकी बात करें तो इसमें सबसे बड़ी पार्टी है टी एम सी तृणमूल कांग्रेस सेकेंड है एन सी पी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एंड थर्ड है सी पी आई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि सी पी आई एम अभी भी नेशनल पार्टी है इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ स्टेट पार्टी से भी उनका स्टेटस वापस ले लिया है तो so, इस वीडियो में हम नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे एंड साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे व्हाट आर द रूल्स फॉर रिकोगशन ऑफ नेशनल एंड स्टेट पार्टी किसी पार्टी को नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टी के तौर पर रिकोगनाइज करने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं उन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं अगर हम करंट स्टेटस की बात करें कि करंट कंडीशन में कौन कौन से पार्टी नेशनल पार्टी हैं तो यहाँ पर ध्यान के रखना है कि सिक्स ऐसी पार्टी हैं जो ऑलरेडी अभी भी नेशनल पार्टी मानी जाती है मीन्स उन्हें नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला हुआ है इसमें शामिल है बीजेपी इसके अलावा आई एंड थर्ड है आम आदमी पार्टी जिसकी हम बात कर रहे हैं फोर्थ की अगर हम बात करें तो बी है बहुजन समाजवादी पार्टी के नाम से जिसे जानते हैं आप फिफ्थ है एन नेशनल पीपल्स पार्टी एंड सिक्स है सी पी आई एम सी पी आई एम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट तो ये सिक्स ऐसी पार्टी हैं जिन्हें अभी भी नेशनल स्टेटस मिला हुआ मीन्स करंट कंडीशन क्या है कि सिर्फ और सिर्फ सिक्स पार्टी हैं जिन्हें नेशनल स्टेटस मिला हुआ है तो आगे बढ़ते हैं जरा डिस्कस करते हैं कि, कि किसी पार्टी को नेशनल पार्टी के फॉर्म में रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं ये तो हमने समझ लिया कि आम आदमी पार्टी को नेशनल स्टेटस मिल गया है एंड सिक्स पार्टी है बट क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं ज़रा उसको समझते हैं देखिए एक्चुअली एवरी स्टेट असेंबली जो असेंबली इलेक्शन होता है जो जनरल लोकसभा इलेक्शन होता है उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकोगनाइज पार्टी की पोल परफॉर्मेंस को रिव्यू करती है एंड जो पार्टी क्राइटेरिया को फुलफिल करती है उसे नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टी के फॉर्म में रिकोगनाइज़ किया जाता है नेशनल पार्टी की अगर हम बात करें तो नेशनल पार्टी रिकोगनाइज़ करने के लिए जो रूल्स हैं वो इलेक्शन सेम्बॉल रिजर्वेशन एंड एडोप्टेशन ऑर्डर 1968 के पैरा सिक्स बी में मेंशन किया गया है ये पॉइंट याद रखिएगा एंड एक पार्टी नेशनल पार्टी के स्टेटस को अचीव करने के लिए एलिजिबल हो जाती है जब वो तीन में से किसी एक कंडीशन को फुलफिल कर देती है मीन्स थ्री कंडीशन है जिसमें से किसी एक कंडीशन को भी अगर वो फुलफिल कर देती है तो उसे नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल जाता है फर्स्ट क्या है इफ़ इट इज रिकोगनाइज एज ए स्टेट पार्टी इन एटलीस्ट फोर स्टेट मीन्स यहाँ पर ध्यान के रखना है कि उस पार्टी को कम से कम चार राज्यों में राज्य पार्टी का मीन्स जो स्टेट पार्टी होती है उसका स्टेटस मिला हो एंड सेकेंड अगर उस पार्टी के फोर स्टेट में जो लास्ट स्टेट असेंबली इलेक्शन हुए थे या जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे उसमें टोटल पोल में से सिक्स परसेंट वोट मिला हो मीन्स एटलीस्ट सिक्स परसेंट वोट मिला हो चार लास्ट जितने भी इलेक्शन हुए हैं इसके अलावा उस पार्टी के फोर मेंबर एमपी के फॉर्म में रिकॉग्नाइज किए गए हों मींस फोर मेंबर कम से कम लोकसभा के मेंबर बने हों एंड थर्ड कंडीशन की बात करें तो इफ़ इटवीन टू परसेंट ऑफ सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम एटलीस्ट थ्री डिफरेंट स्टेट मीन्स कम से कम तीन अलग अलग स्टेट में लोकसभा में टू परसेंट सीट विन किए हों तो मीन्स ये तीन कंडीशन अगर कोई पार्टी फुलफिल कर देती है तो उसे नेशनल पार्टी के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाता है एंड आम आदमी पार्टी को भी इसी बेसिस पर नेशनल पार्टी के फॉर्म में रिकॉग्नाइज किया गया है अब जरा हम समझते हैं कि स्टेट पार्टी के फॉर्म में रिकॉग्नाइज होने के लिए क्या क्राइटेरिया है देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टेट पार्टी के फॉर्म में रिकॉग्नाइज होने के लिए एटलीस्ट टोटल पोल में से सिक्स परसेंट वोट अचीव करना होता है मीन्स जितना भी स्टेट में पोल हुआ उसमें से कम से कम सिक्स परसेंट वोट अचीव करना होता है एंड स्टेट असेंबली में टू सीट एंड लोकसभा इलेक्शन में वन सीट पर विन करना होता है मीन्स स्टेट में कम से कम दो एंड लोकसभा में एक सीट जीतना होता है तब जाके उन्हें स्टेट पार्टी के तौर पर रिकोगनाइज किया जाता है एंड इसके अलावा थ्री अदर ऑप्शन भी हैं जिसके थ्रू किसी पार्टी को स्टेट पार्टी के फॉर्म में रिकोग्नाइज किया जा सकता है फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन है लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में पार्टी को थ्री परसेंट टोटल लेजिसलेटिव सीट भी विन करना होता है मीन्स जितना भी टोटल सीट है उसका थ्री परसेंट सीट उन्हें विन करना होता है पहली कंडीशन हो गई सेकंड कंडीशन की बात करें तो लोकसभा इलेक्शन में सीट के अलॉट जितने भी एवरी ट्वेंटी फाइव सीट हैं उसमें से एटलीस्ट वन सीट उन्हें विन करना होता है एंड थर्ड की अगर हम बात करें तो लोकसभा या स्टेट जनरल इलेक्शन में पार्टी को एटलीस्ट एट परसेंट ऑफ टोटल पोल अचीव करना होता है मीन्स एट परसेंट वोट अगर उन्हें मिल जाता है जनरल इलेक्शन में तब भी उन्हें स्टेट पार्टी के तौर पर रिकोगनाइज किया जा सकता है तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी थैंक्स फॉर वॉचिंग